एस पी नाइन न्यूज में आपका स्वागत है। कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी जमीन तलाश रही है। इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी के आह्वान पर शुरू किए गए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान को धार देने की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा और फिल्म अभिनेत्री काम्या पंजाबी सोमवार यानी की आज आगरा में एक संवाद कर रही है। वहीं संसदन में दोपहर 2 बजे से पार्टी की नीतियों और रणनीति की जानकारी देंगे, साथ ही कार्यकर्ताओं से भी संवाद स्थापित करेंगी। मिर्जा गालिब के 224वें जन्मदिन पर सोमवार को बज में गालिब कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आगरा कैंट स्थित होटल ग्राउंड में तीसरे पहर 3 बजे से इसमें गजल गायक सुधीर नारायण और उनकी टीम गालिब की नज्मों को पेश करेंगे। ग्लोबल ताज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 के दूसरे दिन कई फिल्मों को प्रदर्शन किया जाएगा। इनमें कुछ देसी होंगी जबकि कुछ विदेशी। कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के खंडारी कैंपस स्थित जेपी सभागार में शुरू होगा। आगरा में उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना की मांग को लेकर संघर्ष समिति लगातार आंदोलनरत है। इसी क्रम में सोमवार को कलेक्ट्रेट में समिति उपवास व धरना प्रदर्शन करेंगी। कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होकर तीसरे पहर 3 बजे तक चलेगा। साथ ही आगामी आंदोलन की रणनीति भी बनाई जाएगी। राग रंगनाथ स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स 28 दिसंबर को ओपन माइक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। इसकी उद्घोषणा व पोस्टर विमोचन सोमवार को कमलनगर स्थित ई ब्लॉक में किया जाएगा। कार्यक्रम तीसरे पहर 3 बजे शुरू होगा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आगरा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर फतेहाबाद रोड पर स्थित होटल कॉन्टिनेंटल में एक बैठक करेगा। इसमें पार्टी दक्षिण और उत्तर विधानसभा सीट के लिए अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा एसपीएन 9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।